मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं, ये तो आपने सभी से सुना ही होगा। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है कुछ इसी टॉपिक पे होने वाला है। हम आज ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आज का व्लॉग मैं कुछ टाइम तक के लिए सस्पेंस रखने वाली कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इस टाइम हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आज जो मैं आज ट्रेन से जा रही हूँ है पुनगिरी एक्सप्रेस ट्रेन, जो यहाँ से पुरानी दिल्ली से चलती है 6:25 पर। और जिस डेस्टिनेशन पर मैं जा रही जाती तो वैसे बरेली से भी आगे है, बरेली जाती है उसके बाद और भी आगे जाती है, पर जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है आंवला। तो मैं जाने वाली हूँ आज पुरानी दिल्ली से आंवला तक के लिए। तो 6:25 पे यहाँ से पुरानी दिल्ली से चलते हुए ये आंवला पहुँचाने वाली है 11:52 पर। तो ये आज की जर्नी कैसे होने वाली है गाइस, वो भी आप और हमारे साथ देखते हैं। और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे साथ। ट्रेन नंबर है 12036 सीटिंग के लिए। जो एसी चेयर है उसका जो प्राइस होने वाला है 470 रुपये होने वाला है, और जो नॉर्मल 2S का जो किराया है वो है 145 रुपीज़। तो दोनों का आपको मैंने फेयर बता दिया है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं इसका एंड ऑफ कोच। पुनगिरी एक्सप्रेस सप्ताह के 7 दिन चलती है पुरानी दिल्ली से टनकपुर तक के लिए, और इसकी बात करूँ 9:35 में पहुँचाती है टनकपुर और 25 स्टेशनों पर रुकती हुई जाती है। इस ट्रेन में 12 LHP कोच है जिनमें 2 AC चेयर कार है और 8 चेयर कार कोच और 2 जनरेटर कोच है। ये इसका नॉर्मल कोच है, AC कोच भी आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ये है AC कोच, और इसका फेयर मैंने आपको बताया था। ये कोच कुछ इस तरीके का दिखता है कम्फर्टेबल सीट के साथ। इसमें देख सकते हैं सीट कुछ इस तरीके से दी गई है, ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर की इसकी सीटिंग दी गई है। और ये ऊपर देख सकते हैं लगेज सेक्शन बहुत ही प्यारा दिया गया है इसके अंदर। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 6:25 का टाइम था, 6:26 हो चुके, मतलब एग्जैक्टली ये 6:25 पे जो हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से चल पड़ी है पुरानी दिल्ली के। तो पूरी टाइम पंचुअल पुनगिरी एक्सप्रेस जो होती है ऑलवेज टाइम पंचुअल होती है। पहले भी मैंने एक बार ट्रैवल किया था, पूरी 6:25 पे एग्जैक्टली टाइम पर ये चली थी। गाइस देख सकते हैं ये हमारे लाल किले के ऊपर से जो हमारी ट्रेन है वो जा रही है। क्या क्या सही से है देख सकते हैं। हावड़ा कालका एक्सप्रेस ट्रेन है सामने है। ब्यूटीफुल सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है, हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सामने से जा रही बरेली अलीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन से उतरने के बाद सीधा होना है एग्जिट, और उसके बाद पकड़ना है यहाँ से रिक्शा आंवला स्टेशन के बाहर का। और बाहर आते ही आपको करना है यहाँ पे रिक्शा, 20 रुपीज़ पर हेड सवारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और हम जा रहे हैं, सस्पेंस खोल ही देती, हम जा रहे हैं मनोना धाम। तो बाकी सी चीज़ें हैं मनोना धाम के बारे में आपको वहीं पहुँच कर मैं बताऊंगी। चलिए ये बैठते हैं और लेते हैं यहाँ के रिक्शे का मजा। मनोना धाम आप 3 तरीके के माध्यम से आ सकते हैं, हवाई जहाज से, ट्रेन द्वारा, सड़क द्वारा। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा पड़ेगा जो खाटू श्याम मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप ट्रेन द्वारा आ रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन पड़ेगा और आंवला रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो प्रमुख शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर आप आ रहे हैं सड़क द्वारा तो मंदिर तक सड़क द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आप बस, टैक्सी या अपना वाहन कर सकती है। यहाँ है बहुत सारे खेत सरसों के, पूरा गांव की हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी, शुद्ध वातावरण। सबको अपना अपना पिंड याद आ जाएगा, सबको अपना गांव याद आ जाएगा यहाँ आते ही। मैं बैठी हूँ रिक्शे के पीछे और यहाँ बैठने का आनंद कुछ और ही है। आए तो यहाँ के पीछे के बैठने के रिक्शे के आनंद ले। दोस्तों गौर से देखिए, गौर से स्कूटी वाले भाई साहब। शोना को देखो कहाँ बैठी हुई है अपने पापा के साथ। शोना कबूतर खरगोश अपने कान तो भी
पीछे कर ले ये। बेसिकली यहाँ पे एक चीज भी देखने के लिए मिली पर मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है क्या है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। इसमें कवर भी दिखती है मुझे, इसके अंदर कुछ रहा होगा, इसका भी कोई हिस्ट्री। पेड़ को देखिए गाइस, है ना खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी। रिक्शा हिल रहा है, मेन डोर आ चुका है, हमने मनोरा धाम में एंट्री कर ली है, तो सब कुछ मीटर की दूरी और हम पहुंच जाएंगे मनोरा धाम। खाटू श्याम नगरी मनोरा धाम में स्वागत है गाइस आपका। वो आपको दिख रहा होगा सामने मंदिर भी व्हाइट कलर की, जिसकी छोटी सी दिख रही है। यहाँ देख सकते हैं आपको यात्रियों के लिए विश्राम के लिए व्यवस्था की गई है। अभी जस्ट रिक्शे से उतरते ही देख सकते हैं लाइन आ चुकी है बहुत आगे तक, इतना क्राउड देखने के लिए मिला। कोई ना कोई तो विश्वास है यहाँ पे लोगों का, तो इस तरह का क्राउड यहाँ पे देखने के लिए मिला। चलो और दिखाते हैं आपको सब कुछ और बताते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा शाम भक्तों की भीड़ आई हुई है, जरूरी कोई चमत्कार है तभी इतने सारे भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। चलिए अब यहाँ के बारे में जानने से पहले सबसे पहले कर लेते हैं मंदिर में दर्शन। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी जय श्री श्याम बाबा की, जय खाटू नरेश की। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको फाइनली बता ही देती हूँ मनोरा धाम की हिस्ट्री के बारे में। बताया जाता है कि मनोरा धाम में खाटू श्याम के एक परम भक्त ओमेंद्र चौहान हर वर्ष राजस्थान में रिसित खाटू श्याम के मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब 2019 के आखिर में भारत में कोरोना की शुरुआत हुई तब कोरोना के केस बढ़ने के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन की वजह से बाबा महन जी दर्शन के लिए राजस्थान ना जा सके, इस कारण महन जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने घर में ही बाबा की पूजा करने के लिए दर्शन करने की इच्छा के लिए हर वक्त बाबा से प्रार्थना करने लगे। एक रात महन जी सपने में आकर खाटू श्याम जी उनकी घर के पास में ही मंदिर बनाने के लिए कहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट निवारण का ज्ञान भी बताते हैं। उसके बाद महन जी ओमेंद्र चौहान जी ने यह बात अपने घर वालों को बताई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आने वाले सभी भक्तों के लिए कष्ट और बीमारी को ठीक करना शुरू किया। ऐसे ही धीरे धीरे इस धाम के प्रति लोगों की आस्था गहरी होती चली गई। जब इस धाम में ऐसे एक मेले जैसी रौनक रहती है और यहाँ लोग दूर दूर से खाटू श्याम के दर्शन और बाबा महन जी के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यूँ तो भगवान सभी के अंदर होते हैं बट हमारे सामने तो भगवान ही उतर के आ गए हैं जो सभी के कष्ट निवारण करते हैं। यहाँ पे श्याम जल से ही यहाँ पे सभी का कष्ट निवारण किया जाता है और बाबा के आशीर्वाद से। यह श्याम जल आपको यहीं से प्राप्त करना होता है, ये 20 रुपये की प्रति बोतल आपको यहाँ काउंटर से मिल जाएगी। आप चाहे तो घर से खाली बोतल भी लेकर आ सकते हैं, पर ध्यान रखें घर से आप जल भरकर लेकर ना आए क्योंकि यहीं के श्याम नल से आपको ये श्याम जल मिल जाएगा। और ध्यान रखें इस जल को बढ़ाना नहीं होता है, तो इसको जितना भी आपको जल प्राप्त करना हो तो यहीं से जल प्राप्त करके लेकर जाएँ आप। और ध्यान रखें इस जल को आप मासिक धर्म में भी पी सकते हैं और मासिक धर्म में आप यहाँ मंदिर भी आ सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोकी नहीं की गई है। और ये जल बहुत पवित्र माना जाता है जिसे बाबा खुद पढ़कर देते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी जल माना जाता है। इसी के प्रभाव से इसी से सभी कष्ट का निवारण किया जाता है। और अगर व्यक्ति कोई नहीं आ पाता है तो उसके नाम का जल यहाँ से पढ़वा कर आप ले जा सकते हैं। बाबा इतने भगवान रूपी हैं कि किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी के साथ एक समान रहते हैं, सभी से हंस कर बातें करते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। सच मैं गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कोई एक पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से तरीके से बर्ताव करता है। वैसे ही महन जी एक पिता रूपी बनकर सभी अपने सभी बच्चों का उद्धार करते हैं, उनके कष्ट का निवारण करते हैं। गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था के लिए 2 ही धर्मशाला है, बाकी वैसे नहीं है। तो अगर आप आएँ तो अगर होटल का विचार है तो आप बरेली में ही ले सकते हैं, आंवला में ले सकते हैं। शहर में मंदिर का पूर्ण विकास हो रहा है और जल्दी ही आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आप अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो महन जी के बैठने का टाइमिंग और आरती का टाइमिंग का समय सारणी ये है और एकादशी के दिन आना अच्छा माना जाता है। हम झूलने वाले हैं कोलंबस झूला और वो भी यहाँ पे मनोरा धाम में। आप भी आइए और यहाँ पे फन कीजिए और झूलिए, यहाँ पे बहुत सारे झूले स्टार्ट कर रहे हैं भैया। की को हारे की सहारे की जय।
सहारे की सहारे की जय। आइए आइए कोलंबक झूला झूलिए। आ जाओ भैया आ जाओ। आइए आइए आ जाओ आ जाओ कोलंबक झूला। आइए आइए इससे बढ़िया झूला नहीं। ठीक है वो जंप नहीं कर रही है तो नीचे से जंप करो। क्या कहते हो थोड़ा बचपना भी जरूरी है। शाम हो चुकी थी। ये है यहाँ का कुंड जिसका जल भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है इसको शरीर अंगों या जहाँ पे भी तकलीफ हो वहाँ पे लगाएं अच्छा माना जाता है। श्याम 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 तेरी जय मनोना धाम की श्याम श्याम श्याम। आरती के बाद महन जी जल के छिट्टे देते हैं उसे लेना ना भूले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जाते हैं और यहाँ पे अर्जी लगाना ना भूले। इस वीडियो का सार यही था मानो तो सब कुछ ना मानो तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके और यहाँ के विश्वास पे कोई ठीक हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम।